और चलते चलते आज सुदामा एक गोभी तक गुणगाए और द्वारो छोड़ी कन्हैया तेरे मारे आए पर अब सुन ले ले बंसी मारे अरे अब सुन ले ले बंसी मारे दीनन के कारी और नए होए सम्मान जगत में बहुत हुई चले सुदामा चले ही मां धीरे धीरे पहुंच गए द्वारिका में अपने मित्र कन्हैया से मिलने को तो पहरेदार से भेंट भई सुदामा और कहते भैया पहरेदार अपने महाराज से जाके कहो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए हैं। अब पहरेदार दौड़ा बोले प्रभु आप इधर ही खड़े रहो अभी गए अभी आ रहे और कन्हैया के पास गया और सुदामा की पहचान बताता हुआ बोला बारे पे ये और घर का कुछ नहीं ठिकाना है तुई पटिया अब पहचान बताता है सुदामा की इतना आराम नहीं मिला जो भगवान खड़ाव भी पहन लेते। उधर से नंगे पैर कन्हैया भागे इधर से सुदामा भागे ये कहना बहुत असंभव है दोनों में पहले कौन मिला। जेठ बरनी कन्हैया की सुदामा ने और कन्हैया ने सुदामा गद्दी पे बिठा लिया है और गद्दी पे बिठाने के बाद कन्हैया ने जो सुदामा की दशा देखी तो आंखों से आंसू निकले आया देख सुदामा की दीन दशा और करुणा निधि करुणा करके रोए और तुम पाए महादुख हाय सखा और तुम आए इतना कितने दिन खोए रोने लगे श्याम और जब कन्हैया रोने लगे सुदामा ने जो राशि ठाट कन्हैया के देखे तो मन में सोचने लगे ये तो बहुत बड़ा राजा बन गया। अरे भैया इसे चावल देंगे तो बड़ा शर्म लगेगी चलो नहीं देंगे जैसे लाए पैसे लौटा ले चलेंगे।